नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में मजदूर, दिहाड़ी करने वाले हमारे श्रमिक मजदूर जो खेतों में सोना उगाते हैं, वही आज हमारे मजदूर श्रमिक दर दर सड़कों पर भटक रहे हैं। आज बड़ी चिंता की बात है कि कोरोना महामारी जिस तरह से इंसान को अपने चपेट में लिया है, आज सब परेशान हैं। आज मेरे मजदूर, प्रवासी मजदूर खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। इतनी कड़ाके की धूप, गर्मी, सब कुछ सहते हुए आज प्रवासी श्रमिक मजदूर अपने घरों के तरफ जाना चाहते हैं। आज प्रवासी श्रमिक मजदूर बहुत ही मजबूर हैं, खाने के लिए और पानी पीने के लिए भटक रहे हैं। कहीं चप्पल टूट गया है, कहीं जो है व्यवस्था नहीं है आने जाने के लिए। आप समझ सकते हैं, सभी श्रमिक मजदूर भाइयों से विनती है कि आप सब अपने घर पर रहें, पैदल सड़कों पर ना चलें, यात्रा ना करें। प्लीज आप पैदल यात्रा मत कीजिए। अब भारत सरकार की अपील का सख्ती से पालन कीजिए। और श्रमिक रेलवे चालू किया गया है, इसका सहारा लेकर ही अपने घर वापसी जाएं। कोरोना वैश्विक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, इससे बचें। आप जहां हैं वहीं रुके रहिए, अपने जीवन और परिवार, देश की हित के लिए, क्योंकि यह कोरोना वैश्विक बीमारी छुआछूत की है। और धैर्य पूर्वक जहां रहें आप, वहां पे हमेशा जो है कंधों से कंधा मिलाकर चलें और धैर्य पूर्वक से कार्य करें। आगे रिपोर्ट देखिए, राजेश गुप्ता जी हमारे कानपुर से जो है रिपोर्ट देखिए। आप सब लोग को एक बार फिर राजेश गुप्ता, एसी चीफ कानपुर, आपके बीच में है। बड़े दुख के साथ और बड़े ही दुखी मन से, जो कानपुर से 80 किलोमीटर के लगभग औरैया में, जो कानपुर इटावा जो हाईवे पड़ता है, उसमें जो दुर्घटना हुई है, उसमें जो लोग ने अपना जीवन खोया है, उनके लिए हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं। और जो लोग घायल हुए हैं, उनको यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अपने घर को पहुँचें। हम आप सब लोगों से, प्रवासी श्रमिकों से यही विनती करते हैं कि हमारी सरकारों ने पूरी व्यवस्था की है, फिर भी आप लोग जो है सतर्कता के साथ जो है इसको, यात्रा को करें। हमारे जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे हमारे जो टूर प्लाजा के हों, चाहे हमारे प्राइवेट वाहनों के ड्राइवर और परिचालक हों, सभी से मेरा निवेदन है कि कोई कार्य ऐसा ना करें जो हम अपने जीवन को खतरे में डाल दें। जो ये घटना हुई है, वास्तव में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना है, और उससे हमें ये पता लगता है कि जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं पर हमने उसमें दखलंदाजी ना करके उसको छोड़ा है। उसमें हमारे जो श्रमिक भाई थे, उन्होंने भी कोई सूझबूझ का परिचय ना देकर अपने मन का सारा कार्य किया है। और जो लोग भी रास्ते में गुजरे या मिले, उन्होंने भी पूरा दायित्व तो नहीं निभाया। मेरी पुनः सारे लोगों से निवेदन है कि अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है, तो उसका सभी को जो है फल भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोई कार्य ना करें जिससे इस तरह की पुनः कोई दुर्घटना हो। और पास के पुलिस स्टेशन पर आप जाइए, आपको जिस शहर में जाना है उसके बारे में बताइए। थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार बराबर कार्य कर रही है, हेल्पलाइन मिले हुए हैं, फिर भी आप लोग धैर्य से ना पार करके अपने जीवन को हथेली पर ले जाकर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे कि काफी लोगों को दुख होता है। और साथ ही साथ हम परिवार में भी ना जाकर बीच में ही कहीं इस तरह के खतरा मोल ले लेते हैं, जो वास्तव में देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि कोई ऐसा कदम ना उठाए जो हमारे इस देश के लिए जो है, इस वैश्विक महामारी में हम उसको भूल के आप लोगों के कार्य में लग जाए। क्योंकि जो वास्तव में जो कार्य है, वो हमको है कोविड-19 को हराना और इस देश को जिताना। अतः एक बार पुनः हाथ जोड़ के मेरी विनती है और मेरा यही प्रार्थना है कि सहयोग करिए प्रशासन को, अपनी जान जोखिम में ना डालिए। सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकारों ने की है, बस केवल। नमस्कार, राजेश गुप्ता, एसी चीफ कानपुर। जितने भी हमारे प्रवासी श्रमिक भाई जो हैं, अपने अपने घर जो लौट रहे हैं,
इस भीषण गर्मी में, इस भीषण परिस्थितियों में हम उनसे आग्रह करेंगे, विनती कर रहे हैं कि वो जहां पर भी हैं वहां रुकें, और अगर उनको अपने राज्य के घर पे आना है तो हमारी सरकारों ने व्यवस्था कर रखी है। मेरी उनसे विनती है कि वो पास के पुलिस स्टेशन पर अपना नाम पता नोट कराएं, जिससे कि जो सरकार ने व्यवस्था की है उसका वो अच्छे से पालन करते हुए और अपनी जिंदगी में जो जीवन दिया है भगवान ने उसको अच्छे से सुरक्षित करके और दूसरे को सुरक्षित करके वो अपने घर में पहुंचे। यही हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार, सारे लोग जो है, एनजीओ, जितने सोसाइटी के लोग हैं, सब आपकी हेल्प करने के लिए आगे खड़े हैं। आप केवल सहयोग दीजिए। देखिए, हमारे दिल्ली में, कानपुर में, यूपी में, राजस्थान में, मतलब प्रदेश के हर जगह आपके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, आपके लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। केवल आप समय से अपनी चीजों को पास के पुलिस स्टेशन पर या पास के जो सहायता केंद्र हैं, जो सरकारों ने खोले हैं, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वहां पर हेल्पलाइन पर जरूर जो है अपनी सूचना दीजिए और सहयोग लीजिए। आपका इस तरह से पैदल चलना, गाड़ी से चलना, बाइक से चलना, लंबी लंबी दूरी यात्रा करना इस भीषण गर्मी में, हमको, आपको, क्या सभी को बड़ा कष्टमय लग रहा है इस मानव जीवन को देखकर। आप सबसे मेरी विनती है, हाथ जोड़कर, कि सहयोग करिए, सहयोग दीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं और भरपूर सहायता के लिए हर जगह खाने के केंद्र, पानी के केंद्र और आपको ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है, केवल आप लोग सहयोग दीजिए। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने भी जो है मनरेगा के प्रति सभी प्रवासी श्रमिकों को या उनके परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है। आप लोगों उसमें जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 1800180599 को जारी किया है। आप सब लोग उस पर पूछताछ करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और पूरी तरह से रोजगार के लिए उन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन करा के, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा के पूरी जो है जानकारी प्राप्त करके अपने परिवार को और अपने को कुशलता के साथ उसमें लग जाइए। ये राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की जो सूचना है वो आपको जनहित में मैं दे रहा हूँ। और पुनः एक बार विनती करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में जो परिस्थितियां बन गई हैं उनको सहयोग के साथ ही हम दूर कर सकते हैं। वास्तव में मानवता को लेकर हम चलेंगे तभी मानवता जो है निखरेगी, नहीं तो बिखर जाएगी। इसलिए हमें बिखरना नहीं है इस विपत्ति में, हमको निखरना है, और इस निखरने के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका मनोबल हमें चाहिए, और आप लोग सहयोग कीजिए जिससे कि इस परिस्थिति में सारे प्रवासी श्रमिक लोग अपने घरों पर सुरक्षित और समय से पहुंच जाएं। यही हमारी आप लोगों से आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। इस वैश्विक महामारी में जो परिस्थितियां बन गई हैं उनको सहयोग के साथ ही हम दूर कर सकते हैं। वास्तव में मानवता को लेकर हम चलेंगे तभी मानवता जो है निखरेगी, नहीं तो बिखर जाएगी। इसलिए हमें बिखरना नहीं है इस विपत्ति में, हमको निखरना है, और इस निखरने के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका मनोबल हमें चाहिए, और आप लोग सहयोग कीजिए जिससे कि इस परिस्थिति में सारे प्रवासी श्रमिक लोग अपने घरों पर सुरक्षित और समय से पहुंच जाएं। यही हमारी आप लोगों से आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रवासी मजदूर श्रमिकों से निवेदन है कि आप पैदल बिल्कुल मत चलिए, सड़कों पर बिल्कुल मत चलिए, सिर्फ आप रेलवे का सहारा लीजिए अपने गंतव्य स्थान, अपने घर तक का। आपसे विनती है, हाथ जोड़कर, जय हिंद, जय भारत। मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।